सात बिंदु के खिलाफ सहमति बनी है सरकार समाज के, क्या क्या बिंदु है, क्या क्या होगा? देखिए, पहला बिंदु ये था कि सीबीआई इंक्वायरी, उसमें दो प्रकरण जुड़ गए। पहला प्रकरण था कि अनंत पाल का जो एनकाउंटर हुआ दिनांक 24/6, वो जो FIR दर्ज थी, मैं FIR संख्या ही बताता हूँ आपको, वो FIR संख्या 190/17 24/6। उसके बाद 12 तारीख को सामराज में गोलीकांड हुआ और उस गोलीकांड में सुरेंद्र सिंह, जिसको कि पहले दूसरे नाम से पहचाना गया था, लालचंद शर्मा के नाम से, तो बाद में पता लगा कि वो सुरेंद्र सिंह सन ऑफ कल्याण सिंह है, तो उसको जब गोली लगी तो उसकी भी एक FIR उन्होंने दर्ज कराई है। तो वो दोनों FIR की जांच जो है वो CBI से कराई जाएगी और वो लेटर जो है सरकार अनुशंसा का यहाँ से भेजेगी। दूसरी चीज़ ये थी कि यहाँ कई जगह कई थानों में मुकदमे दर्ज हुए हैं, तो उन मुकदमों पर हरेक की स्थिति मुकदमे की लेकर के सरकार उनको विड्रॉ, जिनको कर पाएगी वो विड्रॉ करेगी और जिनको सरकार जो है फोर को कर पाएगी वो फोर को, उसमें बैठ करके वो थोड़ा सा समय लगेगा। अभी सारे मुकदमों की डिटेल आना बाकी है, डिटेल आते ही हम उस पर गौर करेंगे। तीसरी चीज़ ये थी कि उसकी पुत्री को भारत ला करके एक अच्छा नागरिक बनाना, उस पर सरकार ने बड़ा सकारात्मक रवैया रखा है कि उसको हम यहाँ लाने में कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे और उसमें उसके अध्ययन में और सब में हम उसका सहयोग करेंगे। चौथी चीज़ ये थी कि जो सरवण सिंह का परिवार है उसको किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा था, तो वो भी सारी बाइंडिंग हटा दी गई है, किसी से मिल सकते हैं वहाँ जा कर के रह सकते हैं। चौथी चीज़ जो सुवन सिंह का परिवार वहाँ रह रहा है उसको भी सुवन सिंह से नहीं मिलने दिया जा रहा था, वो भी सरकार ने जो है तुरंत प्रभाव से ये कह दिया कि आप मिल सकते हो, मेडिकल जो प्रॉब्लम्स हैं उसके अनुसार अलग बात है। मुआवजे की बात है तो मृतक के लाल, मुआवजे की बात है वो जो मृतक हैं उनको, दो मृतक हैं इसमें, एक भवानी सिंह है जो गुजरात का है, उसकी अभी डिटेल हमारे पास आना बाकी है, तो उसकी कैसे मृत्यु हुई, कहाँ मृत्यु हुई, वो पूरी जानकारी आ जाएगी, तो दो हो जाएंगे। और इनको सरकार के नियम बने हुए हैं गुर्जर आंदोलन के बाद से 2008 से, उन नियमों के आधार पर उनको पूरा मुआवजा दिया जाएगा और एक आदमी की नौकरी भी देने के लिए सरकार ने आश्वस्त किया है कि नियमानुसार जो होगा हम करेंगे। सवाल ये है कि जो चतुर सिंह हत्याकांड हुआ था, सरकार ने सिफारिश की मांग की थी, सरकार ने लेटर भेजा लेकिन आगे से विड्रॉ हो गया, तो सरकार विड्रॉ नहीं हुआ सर, कोई बाउंड टाइम आपने दिया है कि इतने दिन में लेटर भेजेगी, अगर वहाँ से रिवर्ट होता है कुछ नहीं होता तो हम कोर्ट जाएंगे? देखिए, कोर्ट तो अभी भी जाने के लिए आप स्वतंत्र हैं, कोर्ट जाने के लिए तो आपको कोई रोक ही नहीं रहा। सरकार, राजस्थान सरकार या कोई भी स्टेट की जो गवर्नमेंट होती है वो CBI को सिर्फ अनुशंसा कर सकती है, CBI उसको ले या नहीं ले वो उसके पैरामीटर्स होते हैं, हर केस के पैरामीटर्स होते हैं, उन पैरामीटर्स पर जो है उसका आइडेंटिफिकेशन होता है कि ये CBI के लायक है या नहीं है, तो वो CBI का प्रेरोगेटिव है। तो अब उन पर जब उनको यहाँ से पहली चीज लेटर जाएगा तब हम उसको फॉलोअप करेंगे। चतुर सिंह कांड में दो बार लेटर यहाँ से जा चुका, वो सर्टन पैरामीटर्स में नहीं आ रहा है, इस वजह से उसमें डिले हो रहा है, तो उसको भी देखेंगे, इसको भी देखेंगे। अनंत पाल की जो संपत्ति को लेकर इशू था कि कुर्क की संपत्ति वापस लौटे, अनंत पाल की संपत्तियां दो तरह की थी उसमें, एक कुर्क की हुई संपत्ति थी, दूसरी चीज सरेंडर्ड प्रॉपर्टी थी। जो सरेंडर्ड प्रॉपर्टी है उसको सरकार अपने नियम अनुसार छोड़ सकती है और जो कुर्क की हुई प्रॉपर्टी है वो नियमानुसार रेवेन्यू के अनुसार वो छूटेगी कोर्ट से।